नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित मदर लिस्ट में। आज का जो लिस्ट है वो है लखीमपुर जनपद का। लखीमपुर की बात करें तो 46 सीरियल क्रमांक के लखीमपुर का लिस्ट है। यहाँ पर देखिए, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में कुल टोटल सीट 2100 थी। 2100 सीट में जब 31,661 जिसमें एक चयन लिस्ट तैयार किया गया, तो मात्र 304 लिस्ट में शामिल थे। कुल सीटों का 16% भरा गया था, लेकिन जब 36,000 वाली सेकंड काउंसलिंग हुआ तो उनमें जो सीटें थी वो फुल हो गई, पूरी जो बची हुई थी। बाकी बात करते हैं इसी 36,000 लिस्ट की, तो 36,590 कुल 21 सीटों के सापेक्ष बची हुई 1,716 कैंडिडेट लखीमपुर की। ये देखिए, यहाँ पर पूरा स्पष्ट बताया गया है। लखीमपुर खीरी का तो यहाँ पे देखिए, पहले क्रमांक पर अगर बात करें 66.77 गुणांक, जो कैंडिडेट का गुणांक है यहाँ पर। इसके नीचे आते हैं 66.77 पर ही पूरी लिस्ट चल रही है अभी। ये उसके बाद जो है गुणांक आता है 66.76 पे, फिर 66.76 पे गुणांक आता है। जनपद वाइज गुणांक तैयार करने में क्या होता है, कभी कभी बिना कैटेगरी के ही गुणांक को दे देते हैं कुछ जनपद डिस्ट्रिक्ट। जैसे देख लीजिए लखीमपुर था, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या कहते जनरल का कैटेगरी का गुणांक बता दिए थे कितना था, ओबीसी कैटेगरी का गुणांक कितना था, और नीचे देखिए यहाँ पर एससी कैटेगरी का भी गुणांक बता दिया गया था। लेकिन जो फाइनल 36,000 वाला लिस्ट है, ये तो संशोधन वाला लिस्ट है, जो कि 9/10/11/2020 को काउंसलिंग हुई थी उसका है ये लिस्ट। लेकिन इससे पहले जो सेकंड काउंसलिंग हुआ था, 36,000 वाला जो कि लिस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें देखिए कैटेगरी नहीं शो किया गया है, सिर्फ गुणांक ही बताई गई है। ये भी संशोधन वाला ही लिस्ट है। यहाँ पर देखिए गुणांक बताया गया कि किसका कितना गया है। यहाँ भी देखिए संशोधन वाले में कैटेगरी का उल्लेख किया गया है। तो कई अभ्यर्थियों द्वारा लखीमपुर की लिस्ट मांगने के कारण ही अपलोड करना पड़ रहा है ये वाली लिस्ट। तो देखिए काउंसलिंग लिस्ट है 36,590, जिसमें 1,516 कैंडिडेट का लखीमपुर खीरी में चयन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहले ये पहला क्रमांक लिस्ट है, इस पर लिखा भी है 66.77 से ये लिस्ट शुरू हुआ है। और यहाँ पे देखिए कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एक ही गुणांक पे, यहाँ पर जो क्रमांक था उसी लिस्ट के पहले लिस्ट के 12, यहाँ तक देखिए 1211 से लेकर के लगभग 66.77 तक चयन हुआ है, 28-29। और फिर 30 से देखिए 66.76 और 66.76 नीचे भी है। सेकंड पार्ट देख लीजिए, 66.76 गुणांक से लेकर के यहाँ पर, फिर जब सेकंड वाले पाते हैं तो यहाँ पे गुणांक 66.75 हो रहा है गिर की। वहीं बात करते हैं तीसरे लिस्ट की, तो 66.74 से यहाँ पे देखिए गुणांक चौथे पे जब आएगा तो यहाँ पे 66.02 आया है। और बता दें आपको यहाँ पे लिस्ट के अनुसार 1 से लेकर के 31 तक 73.0 से 71.24 गुणांक तक मेरिट था, 311 से 340 तक 69.66 से 69.65 तक का यहाँ पर मेरिट था, फिर 32 से 62 के बीच में 71.20 से लेकर 70.63 के बीच में मेरिट था, 341 से लेकर के 370 तक 69.65 से 62.62 तक मेरिट था। फिर नीचे आते हैं 63 से वाले में 70.59 से 70.22, 371 से 400 पे जब बात करें तो 62 से 69.09, 94 से 124 की बात करें तो 70.21 से 69.68 तक गुणांक था यहाँ पे। 401 से 430 तक में बात करें तो 69.07 से 68.72, फिर 125 से 155 वाला अगर देखें तो 69.97 से 69.84, फिर 431 से 460 वाला बात करें तो यहाँ पर 68.69 से 68.30, और 156 से 186 वाले में 69.84 से 69.76 तक है। नीचे 461 से 490 के बीच में 69.29 से 69.04, वहीं 187 से 217 के बीच में 69.76 से 69.73,
फिर 491 से 570 के 520 के बीच 800.04 से 600.86, 218 से 248 के बीच 69.73 से 69.71, 521 से 550 के बीच 67.83 से 67.75, ये 249 से 789 के बीच 69.71 से 69.69 के बीच गुणांक था। 551 से 580 के बीच 67.74 से 67.67 तक, 280 से 310 के बीच 69.69 से 69.67 तक, और 581 से 630 के बीच 67.67 से 67.62 तक था। तो ये देखिए, गुणवत्ता समान होने पर अभ्यर्थी मेरिट के अभ्यर्थी दो कक्षा में वितरित हो सकते हैं। वह अभ्यर्थी इन दोनों कक्षों के सामने चस्पा सोचेंगे, वहाँ पर काउंसलिंग कराए। तो यहाँ पे देखिए, और बॉय के अनुसार तैयार किया गया लिस्ट था। तो ये 580 और 310 तक एक क्रमांक बना दिया गया था यहाँ पर। और ये देखिए सामान्य निर्देश, जैसे 100 रुपये का स्टैम्प शपथ पत्र, ये थर्ड काउंसलिंग वालों के लिए काम आएगा जो कि वेटिंग लिस्ट में होंगे, ऐसे ही बनवाना होगा उन्हें। और समान निर्देश क्या क्या है देखिए, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये लिस्ट 3 पर 66.74 चल रहा था जो यहाँ पर, फिर देखिए 66.02 सूची 4 पर, 2 का भी आधा भाग है यहाँ पर 66.75, और ये 3 का आधा भाग 66.75, और ये 4 वाले लिस्ट है 66.02। 5 वाला पार्ट जिसमें 63.06 अभ्यर्थियों का ये लिस्ट है, क्योंकि 2100 सीटें होने के कारण यहाँ पर दिव्यांग की सीटें अधिक थी यहाँ पर सीतापुर में, ये भी दिव्यांग कैटेगरी ही चल रहा है। लेकिन ये नहीं पता चला दिव्यांग में कौन सी कैटेगरी, क्योंकि पीएच है, हैंडीकैप है, या फिर कुछ भी जो भी हो, स्वतंत्रता संग्राम है, यहाँ पे सिर्फ गुणांक ही दिया गया है। 61.69 तक चला है, फिर नीचे 61.67 तक 8वीं, यहाँ पे भी देखिए पीएच वाला कैटेगरी 61.64 गुणांक, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे और गुणांक गिरा है 61.62। तो ये लखीमपुर की लिस्ट थी ये टोटल।